शिरडी के साई बाबा ने समाधि लेने से पहले अपने भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे जी को 9 सिक्के प्रसाद के रूप में दिए थे। आज मैं लक्ष्मीबाई जी की 5वीं पीढ़ी के होटल में आई हूँ उनकी हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू होटल 9 कॉइन इन शिरडी महाराष्ट्र। होटल में एंटर करते ही यहाँ के फ्रेंडली एंड हेल्पफुल स्टाफ आपको वार्मली वेलकम करेंगे। उसी के साथ ही आपको फिल करने होंगे कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसे ही आप होटल में एंटर करते हो आपको फोटोज दिखेंगे लक्ष्मीबाई जी के 9 कॉइन्स पकड़े हुए। वो देखकर ये समझ में आता है कि हिस्ट्री में शिरडी में कितना कुछ हुआ है। एंड अगर आपको इन रियल लाइफ वो 9 कॉइन्स देखने हैं तो समाधि मंदिर के पास ही लक्ष्मीबाई जी का मंदिर भी है जहाँ पर आपको ये 9 कॉइन्स देखने मिलेंगे। लक्ष्मीबाई जी ने अपने पूरे जीवन काल में दिन रात अत्यंत भक्ति और अटूट विश्वास के साथ बाबा की सेवा की। बाबा उन्हें लक्ष्मी माँ कहकर संबोधित करते थे। जिस घर के सामने उनकी समाधि है वह चावड़ी के पास कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। अभी भी लक्ष्मीबाई शिंदे जी के वंशजों ने इन 9 सिक्कों को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा है और वो अभी भी उसी तरीके से चमकते हैं जैसे वो पहले थे। बाबा ने शायद लक्ष्मीबाई जी को उनकी सच्ची सेवा, अटूट भक्ति और विश्वास के सम्मान में ही ये सिक्के दिए थे। अब कई भक्त इन 9 सिक्कों के दर्शन के लिए उनके घर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन 9 सिक्कों के दर्शन से ही सारे लोगों की सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा ने शायद इन सिक्कों को सुरक्षित रखा है और समाधि लेने से पहले भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को दे दिया। ऐसे थी बाबा के प्रति उनकी भक्ति। रॉयल स्वीट रूम एंड मेरा फेवरेट भी। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो आपको एकदम लक्स फीलिंग आ जानी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक डबल बेड मिलेगा, उसी के साथ है ये सोफा सेट भी एंड कुछ सिटिंग स्पेस भी। यहाँ पर आपको एक सोफा कम बेड भी मिल जाएगा जो ओपन होता है जस्ट इन केस अगर आपके साथ कोई एडिशनल पर्सन हो तो। अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो ये बहुत ही प्रिटी से म्यूटेड ब्राउन कलर की पूरे एस्थेटिक्स है। कंप्लीटली एयर कंडीशन है, आपको यहाँ पर एक स्मार्ट टीवी भी मिल जाएगा, वाईफाई का एक्सेस तो है ही। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये रूम आपको मिलेगा एट जस्ट 6999 रुपीज फॉर 3 पीपल, जिसमें ये सारी टॉयलेटरी, सारी बेसिक अम्यूनिटीज, 24/7 आपको यहाँ पर हॉट वाटर भी मिल जाएगा। यहाँ के लाइट जो है वो सेंसर पे चलते हैं विच इज अमेजिंग। तो आप इस रूम को कब बुक कर रहे हो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। उसी के साथ साथ देख लीजिए ये जबरदस्त सा व्यू। जैसे ही आप कर्टन्स ओपन करते हो आपको दिखेगा ये मस्त सा सिटी व्यू एंड फुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। यहाँ के ट्रिपल बेड, यहाँ पर 3 लोग इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। आपको मिलेगा एक क्वीन साइज बेड, उसी के साथ साथ ये सिंगल बेड भी। अगेन सारी बेसिक अम्यूनिटीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बैठने के लिए कुछ चेयर भी है, यहाँ पे आपका वर्क स्टेशन हो सकता है। बेसिक अम्यूनिटीज के साथ केटल एंड एक स्मार्ट टीवी भी। अगर प्राइजेस की मैं बात करूँ तो ये रूम आपको मिलेगा एट जस्ट 3999, दैट इज ओनली 4000 रुपीज, वो भी 3 लोगों के लिए। ये भी कम्प्लीटली एयर कंडीशन है। यहाँ पर आपको एक स्टोरेज यूनिट, एक बहुत ही अमेजिंग सा मिरर, सारे बेसिक टॉयलेटरीज मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ है ये वॉशरूम। बाय द वे यहाँ पर भी सारे वॉशरूम के लाइट्स जो हैं वो कम्प्लीटली सेंसर पर चलते हैं। हॉट वाटर आपको 24/7 यहाँ पर मिल जाएगा, सो दैट शिरडी की ठंडियों में आप गरम गरम बाथ लेके जा सकते हो साईं बाबा जी का दर्शन करने के लिए।
ये है यहाँ के 4 beds। जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 double beds मिल जाएंगे एंड ये रूम है परफेक्ट फॉर अ फैमिली। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक AC भी मिल जाएगा, रूम कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है, सिटिंग स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, उसी के साथ साथ स्मार्ट TV, वाईफाई का एक्सेस, टॉयलेटरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये रूम आपको मिल जाएगा एट जस्ट 4,999 rupees। उसी के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है, ऑफकोर्स इस रूम में भी आपको 24/7 हॉट वाटर मिल जाएगा। रूम सर्विस भी अवेलेबल है विद दिस अमेजिंग रूम। आप यहाँ पे कब आना पसंद करोगे एंड किसके साथ आना पसंद करोगे वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। होटल 9 Coins मंदिर से बस 3 मिनट के डिस्टेंस पर है। आप इजीली समाधि मंदिर चलकर भी जा सकते हो। बाय द वे यहाँ पर आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी जस्ट इन केस अगर आप आपके पर्सनल व्हीकल से आते हो तो। ये है यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल। जस्ट इन केस शिरडी में आकर आप लोगों को कोई भी स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करना है, मे बी एंगेजमेंट या फिर किसी के शादी या आपके लव्ड वंस का बर्थडे, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हो। उसी के साथ ही अगर आपको यहाँ पर कोई कॉर्पोरेट मीटिंग्स करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। प्रोजेक्टर फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर झूमर देखिए ना कितने प्रिटी है। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे फंक्शंस हुए हैं जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो डेकोरेशन ऑन डिमांड भी मिल जाएगा, अदरवाइज भी यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल मिल जाएगा जहाँ पर सिटिंग बहुत ही ज़्यादा लवली है। यहाँ की रात की वाइब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही लग्जूरियस सी फीलिंग आती है इस होटल को बाहर से देखकर ही। जैसे ही आप अंदर आओगे आपको दिखेंगे ये प्रिटी प्रिटी से झूमर और बहुत ही वार्म एंड वेलकमिंग वाइब है इस एंटायर होटल की। स्टाफ की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टाफ 24/7 अवेलेबल ही मिलेगा और जो कि काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है एंड हम्बल है। लॉबी में आपको 24/7 काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट मिल जाएगी। उसी के साथ ही रूम्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा वार्म वाइब देंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमने रात में कैप्चर किया है एंड ऐसे लग रहा है कि बेड को बिल्कुल ही ख़राब ही ना करें, इस बेड पर सोए ही नहीं बिकॉज़ ये इतना अच्छा लग रहा था गाइज, ट्रस्ट मी। उसी के साथ साथ सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ दी हुई थी, इंटरकॉम फैसिलिटी है, सो जस्ट इन केस अगर आपको रूम सर्विस लगती है तो आप डायरेक्टली कॉल करके बस रूम सर्विस के लिए ऑर्डर कर सकते हो, बुला सकते हो एंड जस्ट एक ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, इस वाइब को एक्सपीरियंस कर सकते हो और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। No.
9 कॉइन का मेरा ये स्टेक काफी अमेजिंग था। ऑल्सो ये सारे 9 सिक्कों को इन रियल लाइफ देखकर भी मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई। कुछ अलग ही फीलिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक मैं कह सकती हूँ। और जिस तरह से पहले शिरडी में साईं बाबा जी की भक्ति होती थी, जिस तरह से अभी भी पूजा अर्चना होती है, वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस वाइब को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ट्रूली यहाँ पर ही आना पड़ेगा, तभी आपको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ कई सारे मूवीज में लक्ष्मीबाई के बारे में सुना था, देखा था, पर आज उनके फोटोज देखकर वगैरह मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी ये ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करना है तो जल्दी से इस होटल को विजिट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे लाइक भी कर देना। कमेंट करके मुझे बताना कि आप होटल 9 कॉइन कब आना चाहोगे, किसके साथ आना चाहोगे, क्या आपको लक्ष्मीबाई जी के बारे में पहले पता था या आपको इसी वीडियो के थ्रू पता चला है, वो भी मुझे नीचे बता देना। शेयर करना इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना लाइफ एंड लीजर को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। ओम साईं राम।